यहां प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, तो प्रिंसिपल को कितना मान लेता हूं मैं, 100 मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं। यहां से अगर इसको 100 मानते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां रेट का मान पूछा है, आर का मान आपसे पूछा है, और टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, समय का मान कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है, कितना वर्ष दे रखा है, 4 वर्ष। और क्या दे रखा है भाई यहां पर, ये 4 साल में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, इसका मतलब अमाउंट दे रखा है आपको, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा कितना, अगर मैंने 100 माना है प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 200। अगर मैं यहां से बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना मिला बेटा, 100 वाला मामला कहां पहुंच गया, 200 पे, कितना अधिक मिला, 100 रुपए, और ये 100 ही क्या आपका ब्याज है, क्या है ब्याज। अब हम क्या करते हैं यहां पे, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ऐसा ही गुणा 100 बटे में क्या आ जाएगा, पी इंटू टी, ऐसा ही कितना 100, या ऐसा ही कितना आ जाएगा 100 गुणा 100 बटे में प्रिंसिपल कितना माना था 100, और टाइम कितना दे रखा बेटा, कितना दे रखा है, 4 साल। देखो 100 से 100 कट गया, 4 के पारे से कितना कट जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25%। ये बात सबके समझ में आ गई क्या, ये तो था इसका पूरा बेसिक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, रुक जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट बाद में चलाएंगे, लाइव चल रही है। यहां प्रिंसिपल कितना 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए हमें, टाइम कितना दे रखा है 4 साल, अमाउंट क्या हो गया दुगना हो गया, अमाउंट क्या हो गया दुगना हो गया, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 100 रुपए। भाई 100 का मामला 200 भी पूछ गया, तो कितना ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे, 100 रुपए मिल रहा है। अब दर क्या होती है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही गुणा 100 बटे में पी इंटू टी, ऐसा ही कितना मिल रहा है बेटा यहाँ पे, ऐसा ही मिल रहा है 100 गुणा कितना हो गया 100 बटे प्रिंसिपल का मान कितना माना मैंने 100 माना, गुणा समय का मान कितना आ गया 4, कितना हो जाएगा 25%। यहाँ आप 100 की जगह कुछ भी मान सकते हो, 1 मान लो, 2 मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा, कितना आएगा आंसर इसका 25%। एक बराबर से उतार लें, एक बराबर से उतार लें, अब इसको एग्जाम में सीधा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आता है तो ये तो हो गया हमारा बेसिक पार्ट, इसका क्या हो गया बेसिक पार्ट उतार ले गया। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, आपको पता है दर की परिभाषा क्या होती है, कि एक साल में मूलधन के ऊपर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां अगर प्रिंसिपल आप कितना मान रहे हो, अगर यहां पर प्रिंसिपल 100 रुपए मान रहे हो, कितना मान रहे हो 100 रुपए, और अमाउंट कितना हो गया बेटा, अमाउंट कितना हो गया 200, ये कह रहा है कि 2 गुना हो जाता है, लेकिन यहां पर समय का मान दे रखा है, कितना दे रखा है समय का मान 4 साल, समय कितना दे रखा है 4 साल दे रखा है। और यहां अगर मैं बात करता हूं आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल आपका 100 था, अमाउंट 200, तो यहां से जो ब्याज मिला वो कितना मिला, साधारण ब्याज कितना मिला 100 रुपए मिला, कितना मिला 100 रुपए। पहले बच्चों एक बात बताओ यहां से आप, ये 100 रुपए कितने साल में मिला है, 4 साल में, 4 साल में कितना मिला 100 रुपए, और प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है एक समान, क्या होता है एक समान। आप ये कह सकते हो कि 4 साल में जो साधारण ब्याज मिला ये कितना मिला था 100 रुपए, तो एक साल का निकालूंगा, एक साल का ऐसा ही कितना आ जाएगा 100 बटा 4, कितना हो जाएगा यहां पे 25 रुपए, कितना हो जाएगा 25। और दर की परिभाषा क्या होती है कि मूलधन के ऊपर एक साल में जो ब्याज मिलता है उसे क्या कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब आर जो आएगी, यानी कि ब्याज कितना मिला एक साल में 25 रुपए मिला, कितने से मिला बेटा 100 से, गुणा कितना हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 25%, सीधा सा हो जाएगा यहां से, कितना हो जाएगा 25%। अगर आप लोगों को दर की परिभाषा याद है तो कर सकते हैं इसको ऐसे, भाई 4 साल में कितना मिला ब्याज 100 रुपए, एक साल में कितना मिलेगा 25,
और वैसे भी मामला सौ का है, कितने का है? सौ का, तो डायरेक्ट इसका आंसर यही आ गया भाई, एक साल का साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 25, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी यहां से? 25% हो जाएगी। 25 बटा 100 गुणा 100 कितना होगा यहाँ पे? 25%। तो मामला जब 100 का है तो डायरेक्ट परसेंट लगा दो उसके आगे, कितना हो जाएगा? 25%। बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि कल की क्लास में बताया था कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? एक समान होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? उतारोगे इसको? उतारो जल्दी से। अब आप कुछ बुक्स होती है उसमें इसकी ट्रिक भी दे रखी होती है शॉर्टकट, वो क्या होता है वो भी देखते हैं। उतारो इसे जल्दी से। आपके पास समय बहुत कम है, ध्यान रखना भाई, ठीक है? बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों को, तब जाके आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा। अभी कोई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे नवंबर में एग्जाम आराम से कर लेंगे, है ना? तो बेटा ये जो आपके दिमाग में ऐसी कोई गलत फहमी है उसको निकाल दें कि नवंबर में एग्जाम है और सितंबर में या अक्टूबर में मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, है ना, और एक या दो महीने में एग्जाम पास कर लूंगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगी? एसएससी करवाएगी। और अगर किसी के दिमाग में ऐसा वहम है तो वो एक बार जाके और दिल्ली पुलिस का जो लास्ट ईयर का जो कोई पेपर था एक दो पेपर दे के चेक कर ले, पता लग जाएगा उसको कि दिल्ली पुलिस का लेवल क्या आता है, कि उसनों का लेवल क्या होता है, ठीक है ना, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो चेक करे एक बार जरूर। देखो सामने आगे चले और क्या तरीका होगा आपको पता है? साधारण ब्याज क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला आर इंटू टी, ऐसा ही बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? आर इंटू टी, ये होता है ना। अब यहां अगर मैं बात करता हूं भाई इतना गुना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहां बताया था आप लोगों को, इस वाले में ये देखो प्रिंसिपल कितना था? 100। अमाउंट कितना हो गया था? 200। कितना ब्याज मिला? कितना मिला? 100। तो बेटा यहां अगर मैं बात करता हूं आर इंटू टी और क्या आ जाएगा? एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा? 100। इंटू क्या हो जाएगा? 100। एन का मतलब कितने गुना? एन का मतलब कितने गुना? अरे कुछ नहीं, ये आपको सीधा से एक पागल बनाने का तरीका है। कैसे समझो आप इसको? आपको पता है यहां पर जो मान दे रखा है या तो आर का मान देगा या टी का मान देगा। जैसे इसमें टी का मान दे रखा है और किसका पूछा है? आर का। टी का मान कितना दे रखा है? 4 साल। एन कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। तो यहां मैंने कितना किया? 2 माइनस 1 इंटू कितना हो गया? 100। अब 2 में से गया कितना बचा? 1। तो यहां से जो आर का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 100 बटा कितना हो जाएगा? 4। कितना हो गया? 25%। अब एक बात बताना मुझे आप, यहां से अगर मैं बात करता हूं 2 गुना तो ब्याज मिलेगा वो 1 कमी तो मिलेगा। यहां देखो यहां 100 था और यहां 200, तो 1 कम मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा? जैसे यहां 1 मानता हूं और यहां 2 मानता हूं तो कितना मिलेगा ब्याज? 1 रुपए मिलेगा। जैसे बोलेगा 4 गुना तो यहां 400 हो जाएगा, तो कितना ब्याज मिलेगा? 300। कितना मिलेगा? 300। 8 गुने में कितना मिलेगा? 700। 1 कम मिलेगा ना। तो वही चीज यहां करवा दी गई आपको कि यहां एन माइनस वन मतलब जितना गुना है उसमें से 1 कम कर दो। 2 गुना है तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1। 3 गुना है तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1। 4 है तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा। गुणा 100 करना ही है। या तो आर का मान देगा या फिर किसका मान देगा? टी का। जब आर का मान देगा तो किसका पूछेगा? टी का। और टी का देगा तो किसका पूछेगा? आर का मान पूछेगा। क्लियर है? उतार लो इसको। उतार लें। लाइव चल रहा है क्या? हट गया?
चेक करना है से। चलो भाई आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखो कोई राशि, कोई राशि, कोई राशि 20% साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि 20% साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि 20% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहे हैं कि कोई राशि 20% साधारण ब्याज की दर से या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा आपको कितना 20%, कितना दे रखा है 20%, और आपसे पूछा क्या यहां पे, क्या पूछा आपसे, टाइम पूछा है, और कितने गुना हो रही है 5 गुनी, कितने गुनी हो रही है 5 गुनी। जल्दी से इसका आंसर बताए भाई, R इंटू टी बराबर में हो जाएगा N माइनस 1 इंटू कितना था 100। भाई R का मान गिवन है आपको कितना 20 गुना टी बराबर में N का मान कितने गुना, N कितने गुना 5, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 100, यहां हो जाएगा 20 गुना टी बराबर में आ जाएगा 4 गुना 100। अब देखो टी का जो मान आएगा वो आएगा 4 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा 20, और ये 20 के पारे से कितनी बार कट जाएगा 5, तो आ जाएगा 4 गुना 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 साल हो जाएगा या 20 वर्ष हो जाएगा।